लोकसभा चुनाव 2024 का महाआयोजन अब खत्म होने के दौर में है। हर किसी को इंतजार है 4 जून का, जब चुनाव आयोग मतगणना के बाद नतीजों का ऐलान करेगा। सबके मन में ऊहापोह चल रही है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मारेगा। मगर उससे पहले हर किसी को एग्जिट पोल्स का भी इंतजार रहता है, क्योंकि ये एग्जिट पोल्स आम आदमी के अनुमान और बहस को एक नई दिशा देते हैं। इस बार 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव करवाए गए। ये चुनाव आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएंगे। मतदान कर चुके वोटरों से उनके पसंदीदा प्रत्याशियों या पार्टियों के बारे में जानकारी जुटाना ही एग्जिट पोल्स कहलाता है। इससे चुनाव के बाद देश के सियासी मिजाज को समझने में मदद मिलती है। चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स के अनुमान का बाजार पर असर पड़ता है। वोटरों से पूछने के पीछे वजह ये मानी जाती है कि वोटर ही सटीक रूप से ये बता सकते हैं कि देश में किसकी सरकार बन रही है। सरकार कभी कोई एग्जिट पोल्स नहीं कराती है, इसे केवल प्राइवेट एजेंसियां ही कराती हैं। वहीं ओपिनियन पोल्स मतदान से पहले कराए जाते हैं और लोगों की राय जानी जाती है। ये वोटर्स के चुनावी रुझान को जानने की कोशिश भर होती है। चुनाव के आखिरी बूथ पर जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो उसके 30 मिनट बाद से ही एग्जिट पोल्स जारी किए जाते हैं। ये ओपिनियन सर्वे कई संगठन निजी चैनल्स मिलकर करते हैं। इसमें वोटर से ही ये पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल्स का मकसद चुनावों के रुझानों के बारे में जानकारी देना है। दरअसल एग्जिट पोल्स आम आदमी के सेंटिमेंट्स को दर्शाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में चुनावी पंडित सटीक आकलन करने से नाकाम साबित हुए थे। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को करीब 285 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, मगर जब नतीजे सामने आए तो ये अनुमान से कहीं आगे निकल कर आया। एनडीए को 353 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीत ली थी। वहीं कांग्रेस को 52 सीटें ही मिली थी। वर्ष 1999 से लेकर 2019 तक 5 लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल्स सटीक नहीं रहे हैं। इस बार देखना ये होगा कि एग्जिट पोल्स सही बैठ पाएंगे या नहीं।